लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर आते हैं एरियोलर और एडिपोस टिश्यू एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू ठीक है नेक्स्ट अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें हम तो नेक्स्ट होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इसके अंदर आते हैं हमारे लिगामेंट और टेंडन ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं इनटू टू कैटेगरीज दैट इज डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेग्यूलर डेंस रेगुलर और डेंस इरेग्युलर और जो डेंस रेगुलर होते हैं उसमें आते हैं बोन्स और सॉरी टेंडेंस और लिगामेंट्स टेंडेंस एंड लिगामेंट्स ठीक है अब अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है और इसके अंडर दो कैटेगरीज होती है ब्रॉडली फर्स्ट होती है स्केलेटल सेकेंड होती है फ्लूइड जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर आता है हमारी बोन और कार्टिलेज ठीक है और जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर आता है हमारा ब्लड और लिम्फ ठीक है तो हमने देख लिया है कि ब्रॉडली जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सी थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है वो डिवाइडेड है लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा आंसर है फर्स्ट का है लूज कनेक्टिव टिश्यू सेकंड का है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड का है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर आज डाउनलोड कर डाउट नेट आप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर